नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। लोकसभा चुनाव का सातवां यानी आखिरी चरण नजदीक आ रहा है और ऐसे में तमाम पार्टियों की राजनीति ने एक अलग रूप ले लिया है। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर हमला और भी तेज हो गया है। जी हां, बुधवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेज पर भाषण देते समय इतनी गालियां याद आई कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने मुझे बहुत सी गालियां दी हैं, मुझे बहुत बुरा भला कहा है, बल्कि ये कह लो कि उन्होंने गालियों की होड़ लगा दी है। देखा जा रहा है कि कांग्रेस अब तक भी गाली के तरीके से पीएम पर फूल बरसा रही है। बड़ी बात यह है कि पीएम ने खुद स्टेज से कांग्रेस के कहे उन शब्दों को दोहराया जो कांग्रेस ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। प्रधानमंत्री ने एक एक करके सारी गालियों को गिना डाला। उन्होंने कहा कि इनके नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा तो दूसरे ने मुझे गंगू तेली भी कहा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक नेता ने तो हद तब कर दी जब उन्होंने मुझे पागल कुत्ता कहा। प्रधानमंत्री की व्यथा आप खुद सुन लीजिए कि स्टेज से उन्होंने कांग्रेस पर क्या क्या आरोप लगाए, देखिए ये वीडियो। साथियों, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे बसमासूर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया है, यहां तक कि नीच किस्म का आदमी भी बोला है। और तो और मुझसे ये भी पूछा गया कि मेरे पिता आखिर कौन थे। नहीं मालूम तो ये बता दो तुम्हारे दादा कौन थे, शायद तुम्हें ये भी मालूम नहीं होगा। पीएम मोदी ने दुख जताया कि मुझसे इस तरह के सवाल किए गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने यहां लोगों से अपील भी की कि आप लोग जितना हो सके उतना कांग्रेस की दी हुई इन गालियों का वीडियो लोगों में फैलाइए, शेयर कीजिए ताकि सबको पता लग सके कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है। रैली में पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या तोहफे दिए हैं वो भी मैं आपको एक एक करके आज बताऊंगा। पीएम ने कहा कि मुझे मोस्ट स्टूपिड पीएम भी कहा गया, यहां तक कि जवानों के खून का दलाल भी मुझे बताया गया। इसके आगे उन्होंने कहा कि प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दार, बंदर, मुसोलिनी, हिटलर जैसे शब्द भी निकाले गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नामदार जिस तरह से अपने प्रेम की वर्षा मुझ पर कर रहे हैं और कोई उन पर सवाल भी नहीं उठा रहा, इसलिए आज मैं कांग्रेस की सारी सच्चाई खुद देश के सामने रख रहा हूं कि किस तरह से मुझे गाली देते हुए इन लोगों ने अपनी सारी मर्यादाओं को पार कर डाला है। हालांकि ये भी इनकी प्रेम डिक्शनरी से पता चलता है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर पीएम मोदी के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच करारी जंग छिड़ गई है। पीएम ने राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नेता और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम अपने पिता का बचाव करने के योग्य भी नहीं हो। आपको बता दें कि 12 मई को दिल्ली और हरियाणा में मतदान होना है और ऐसे में दोनों तरफ से जुबानी जंग जारी है। देखना यह होगा कि एक तरफ स्टेज से प्रधानमंत्री आरोपों का जो सिलसिला उन्होंने जारी किया है वो लगातार कांग्रेस को खदेड़ रहा है तो दूसरी तरफ जो टिप्पणी राजीव गांधी को लेकर खुद मोदी ने दी है उस पर कांग्रेस अब क्या पलटवार करेगी ये देखना भी काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। फिलहाल तो मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन इन दोनों पार्टियों की जुबानी जंग पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।